बस से उतरकर जब जेब में हाथ डाला, मैं चौंक पड़ा। जेब कट चुकी थी। जेब में था भी क्या, कुल 900 रुपए और एक खत जो मैंने माँ को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज पाऊंगा। 3 दिनों से वह पोस्टकार्ड जेब में पड़ा था। पोस्ट करने को मन ही नहीं कर रहा था। 900 रुपए जा चुके थे। यूं 900 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जिसकी नौकरी छूट गई हो उसके लिए 900 रुपए 9 लाख से कम नहीं होते। कुछ दिन गुजरे, माँ का खत मिला। पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया। जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा, लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान रह गया। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा 5000 रुपए का भेजा हुआ मनी ऑर्डर मिल गया है। तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं बरतता। मैं इसी उधेड़बुन में लग गया कि आखिर माँ को मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला। चंद लाइनें थी, आड़ी तिरछी, बड़ी मुश्किल से पढ़ पाया। लिखा था, भाई 900 रुपए तुम्हारे और 4100 अपनी तरफ से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र ना करना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना, वह क्यों भूखी रहे। तुम्हारा जेब कतरा भाई।